नमस्कार, आज हम थर्ड सेमेस्टर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल और प्रोडक्शन डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाए जा रहे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन विषय के अंतर्गत काइनेमेटिक लिंक्स पेयर्स एंड जॉइंट्स शुद्ध गति की अवयव युगल और जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि इस वीडियो को देखने के पश्चात विद्यार्थी समझ सके कि शुद्ध गति की अवयव युगल और जॉइंट्स क्या है तथा वो पहचान सके या एग्जामिन कर सके कि काइनेमेटिक लिंक्स पेयर्स और जॉइंट्स क्या है। इस प्रकार अंडरस्टैंड और अप्लाई लेवल पर वो काइनेमेटिक लिंक्स पेयर्स और जॉइंट्स को जान सके। की कॉन्सेप्ट जो हमने कवर किए हैं वो है काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर्स और काइनेमेटिक जॉइंट्स। आप मेन वीडियो सोर्स URL को देखें जो आपने पूर्व में भी देखा है, वो सिर्फ आपने 5 मिनट तक देखा था। इस URL को क्लिक करें या कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप न्यू टैब में भी खोल सकते हैं। इसमें आपको काइनेमेटिक लिंक के लिए 5 मिनट से प्रारंभ करना है, 6 मिनट 50 सेकंड तक कुल अवधि 1 मिनट 50 सेकंड। काइनेमेटिक पेयर्स के लिए 6 मिनट 50 सेकंड से 11 मिनट 54 सेकंड तक कुल अवधि 5 मिनट 4 सेकंड के लिए, और काइनेमेटिक जॉइंट्स के लिए 11 मिनट 54 सेकंड से लेकर के 14 मिनट 30 सेकंड तक कुल अवधि 2 मिनट 36 सेकंड। इस प्रकार आप इस मेन वीडियो सोर्स URL को कुल अवधि 5 मिनट से लेकर के 14 मिनट 30 सेकंड तक कुल 9 मिनट 30 सेकंड के लिए देखें। आप आगे बढ़ने के पूर्व हम ये डिस्कस करेंगे हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा। हमने डिस्कस किया था कि मशीन क्या है और थ्योरी ऑफ मशीन क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काइनेमेटिक लिंक क्या होती है। काइनेमेटिक लिंक या अवयव या एलिमेंट मशीन के वह पार्ट होते हैं जो कि दूसरे लिंक के साथ रिलेटिव मोशन रखते हैं। जबकि हम आगे बढ़ें और देखें और क्लियर करें कि यह अपने आप में एक रेसिस्टेंट बॉडी है या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट बॉडीज भी हो सकता है। गौर कीजिएगा, एक बॉडी या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन एक बॉडी में और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज में कंडीशन यह है कि यदि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज है तो उनमें आपस में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। क्या आप यहां पर 2 मिनट सोच सकते हैं वीडियो को रोक करके कि ऐसी कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज हैं जिनमें की रिलेटिव मोशन नहीं होता है। आप 1 मिनट के लिए पॉज करें, सोचें और अपने नोटबुक में लिखें। उम्मीद है आपने कुछ सोचा होगा, लिखा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उदाहरण से कि ये किस प्रकार एक रेसिस्टेंट बॉडी है या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंट बॉडीज है। सॉफ्ट एक रेसिस्टेंट बॉडी है, जबकि क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील दो अलग अलग मशीन एलिमेंट होने के बावजूद एक काइनेमेटिक लिंक है। कारण, क्योंकि जिस दिशा में और जिस गति से क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है उसी दिशा में और उसी गति से फ्लाईव्हील भी रोटेट होता है। अतः क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील एक ही काइनेमेटिक लिंक है जिनके बीच में आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम काइनेमेटिक पेयर्स की ओर। काइनेमेटिक पेयर्स की परिभाषा हम देखें तो परिभाषा में हम पाएंगे काइनेमेटिक पेयर्स की कि दो काइनेमेटिक लिंक मिलकर के इस तरीके से मिलाया जाए क्योंकि आपस में बीच में रिलेटिव मोशन हो, और ये रिलेटिव मोशन जो होना चाहिए वो कंप्लीटली या सक्सेसफुली। तो बहुत ही आसान है कि यदि दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो काइनेमेटिक लिंक है, जबकि यदि दो काइनेमेटिक लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन कंप्लीटली या सक्सेसफुली हो तो उसको हम काइनेमेटिक पेयर्स के रूप में जानेंगे, काइनेमेटिक युगल। अब हम देखें कि काइनेमेटिक पेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं। काइनेमेटिक पेयर्स को मुख्यतः 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है कि सापेक्ष गति कुल लिंक के बीच में किस प्रकार की हो रही है, कॉन्टेक्ट काइनेमेटिक लिंक्स के बीच में किस प्रकार से हो रहा है, या मैकेनिकल बंधन हम उसमें उपयोग कर रहे हैं या नहीं। तो यहां पर हम पहले देखेंगे कि रिलेटिव मोशन दोनों लिंक के बीच में किस प्रकार का हो रहा है। सबसे पहले है स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर उस
उस पेयर को कहते हैं हम जिनके बीच में आपस में स्लाइडिंग मोशन हो। बहुत आसान सा उदाहरण है कि जब टीचर आपकी क्लास में बोर्ड पर डस्टर से क्लीन करता है तो डस्टर और बोर्ड के बीच में जो मोशन होता है वो स्लाइडिंग मोशन होता है। या ऑटोमोबाइल में पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो मोशन होता है वो स्लाइडिंग मोशन होता है। अतः इस प्रकार के युगल को हम स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। टर्निंग पेयर की बात करें तो टर्निंग पेयर में कंडीशन ये है कि एक लिंक टर्न होना चाहिए दूसरे लिंक के साथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। गौर कीजिएगा कि इसकी एक्सिस फिक्स्ड हो। उदाहरणार्थ हम देखें कि जब साइकिल का व्हील टर्न होता है एक्सल के ऊपर, एक्सल की एक्सिस फिक्स है और उस एक्सिस के अराउंड साइकिल व्हील क्या होता है, टर्न। जबकि यही साइकिल व्हील यदि आपका रोड के ऊपर रोल हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सिस फिक्स नहीं रोल, जहां आप हैंडल टर्न करेंगे वहां पर साइकिल व्हील रोल होगा, ये बनाएगा रोलिंग पेयर। इस केस में जो लिंक है साइकिल हमारे उदाहरण में वह ओवर मतलब रोल होती है रोड के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं स्फेरिकल पेयर। आप लोगों ने जॉयस्टिक देखी होगी वीडियो गेम में या कंप्यूटर में, या गियर सेलेक्टर देखा होगा आपने ऑटोमोबाइल में। इसमें क्या होता है कि एक स्फीयर लिंक होती है जो हमारी जॉयस्टिक या गियर सेलेक्टर है वो टर्न होती है अबाउट अदर फिक्स्ड लिंक, जो सॉकेट होता है उसके अंदर होती है। ये हमारा स्फेरिकल पेयर होगा। अंत में स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर बहुत आसान है। इसका उदाहरण नट बोल्ट है कि बोल्ट में जब आप नट को रोटेट करते हैं तो इसमें नट जो होता है वो टर्न होता है अबाउट अदर लिंक बाय स्क्रू थ्रेड। इस प्रकार के काइनेमेटिक पेयर को हम स्क्रू पेयर कहते हैं। दूसरे आधार पर कि उनके बीच में कांटेक्ट या संपर्क किस प्रकार का हो रहा है, उस आधार पर हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है लोअर पेयर या सरफेस कांटेक्ट। जितने भी हमने स्लाइडिंग और टर्निंग पेयर देखे हैं एक्सेप्ट स्क्रू पेयर, आप देखेंगे कि वहां पर कांटेक्ट जो हो रहा है वो सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको लोअर पेयर के रूप में जानते हैं। जबकि यदि पॉइंट या लाइन कांटेक्ट हो तो उसको हम हायर पेयर कहते हैं। बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग या टूथेड गियरिंग में देखिए आप, ये पार्शियल टर्निंग और स्लाइडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो होता है लाइन ऑफ एक्शन पर कांटेक्ट होता है, जो हम देख रहे हैं दो गियर्स के बीच में, तो लाइन कांटेक्ट होने के कारण ये हमारा हायर पेयर है। अंतिम आधार जो हमारा है वो है मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। क्या हम मैकेनिकली बंधन कर रहे हैं? यदि हम बंधन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फोर्स पेयर। इसमें दोनों लिंक को हम आपस में पकड़ के रखते हैं मैकेनिकली। जितने भी लोअर पेयर हैं वो सारे फोर्स पेयर कहलाते हैं। जबकि ओपन पेयर के केस में यहाँ पर कोई भी मैकेनिकली हम इसको लिंक नहीं करते हैं, बल्कि ये ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स के द्वारा लिंक होता है, जैसे कि केम एंड फॉलोवर, इनको हम ओपन या अनक्लोज्ड पेयर भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने काइनेमेटिक पेयर में पढ़ा उसकी परिभाषा कि ये दो लिंक से मिलकर के बनता है, उसके टाइप्स तीन आधार होते हैं, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो किस प्रकार है, उनके बीच में कांटेक्ट कैसा हो रहा है और उनको मैकेनिकली कंस्ट्रेंट किया गया है या नहीं। हमारा नेक्स्ट है काइनेमेटिक जॉइंट्स। इसकी परिभाषा हम देखें। परिभाषा में हम पाएंगे कि ये एक पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लिंक मिलती है। कि टाइप्स देखें हम तो टाइप्स में आप देखेंगे बाइनरी, टू लिंक्स आर जॉइंट एट सेम पॉइंट। इस प्रकार अभी आपने देखा साइकिल का एग्जांपल हो, नट बोल्ट का हो, जितने भी हमारे काइनेटिक पेयर्स या लोअर काइनेमेटिक लोअर पेयर्स होते हैं वो हमारे बाइनरी में कहलाते हैं। जबकि टर्नरी में तीन लिंक्स एक ही पॉइंट पर जुड़ते हैं। यहाँ पर हम वन टर्नरी जॉइंट को कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू बाइनरी जॉइंट्स या टू लोअर पेयर के बराबर लेते हैं, जबकि क्वार्टरनरी में हम तीन लिंक एक ही पॉइंट पर जुड़ती है तो वहां पर एक टर्नरी जॉइंट को हम कन्वर्ट करते हैं तीन बाइनरी जॉइंट या तीन लोअर पेयर के। इस प्रकार से ये काइनेमेटिक जॉइंट। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि काइनेमेटिक चेन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है और इन्वर्जन क्या होता है। धन्यवाद।